सो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 5 के अंदर हमारे सामने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं उनमें से अगर बेस्ट प्रोजेक्ट को चुना जाए तो वो होगा लोकी सीजन 2। सो लोकी सीजन 2 सिर्फ फेज 5 का ही नहीं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आए हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स में भी एक बहुत ही अच्छा स्थान हासिल किया है। सो लोकी सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड के साथ लोकी सीजन 2 के लास्ट एपिसोड का एक कनेक्शन है, और इसी कनेक्शन को कंफर्म करते हैं इन दोनों एपिसोड्स का टाइटल जो है ग्लोरियस पर्पस। और ऐसा पहली बार हुआ है जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर किसी सीरीज के दो एपिसोड का टाइटल सेम है। तो अभी पहले इस थ्योरी को जान लेते हैं। तो तुम्हें ये तो याद होगा कि सीजन 1 के एपिसोड 1 में जब लोकी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने हाथ से देख रहा होता है तो उस टाइम पे वो वहाँ पे सिर्फ टाइम स्टोन को ही अपने हाथ में उठाता है। इसी पॉइंट पे तुम्हें याद दिला दो कि लोकी ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला कैरेक्टर है जिसने टाइम स्टोन को अपने हाथ से छुआ है, यानी कि फिजिकली टच किया है। तो इससे पहले आज तक जितने भी कैरेक्टर्स ने टाइम स्टोन को अपने हाथ में पकड़ा है उन सारे कैरेक्टर्स के दो उंगलियों के बीच में टाइम स्टोन फ्लोट कर रहा होता है, मतलब कभी भी टाइम स्टोन को किसी ने फिजिकली टच नहीं किया। तो ये एक बहुत ही छोटी सी बात है, बट उस टाइम पे जब लोकी सीजन 1 चल रहा था तो हमने इसके ऊपर काफी सारे थ्योरीज बनाए थे कि शायद लोकी इसे वापस यूज करने वाला है फ्यूचर में, और शायद उसने इस स्टोन को अपने पॉकेट में कहीं पे छुपा लिया हो, या फिर ऐसे ही बहुत सारे थ्योरीज हमने बनाए। बट सीजन 1 के एंड आते आते हमारे दिमाग से तो ये पॉइंट निकल ही गया था। बट तुम्हें क्या लगता है, मार्वल कोई भी काम इतने आसानी से करता है? वो छोटे छोटे डिटेल्स पर भी बहुत ध्यान देता है। तो यहाँ पे थ्योरी ये है कि लोकी के टाइम स्टोन को फिजिकली टच करने के पीछे ये फोरशैडो किया जा रहा था कि लोकी सीजन 2 के एंड में टाइम पर राज करेगा और बन जाएगा गॉड ऑफ टाइम। और सीजन 2 के एंड में भी हमें यही दिखता है कि लोकी टाइम ब्रांचेस को पकड़ने वाला पहला कैरेक्टर बनता है पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर पहली बार टाइम स्टोन को फिजिकली टच किया था। तो इस थ्योरी से ये तो समझ आ ही जाता है कि मार्वल हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स पर कितना ज्यादा ध्यान देता है। लिटरली मार्वल ने पहले एपिसोड में ये फोरशैडो कर दिया था कि लोकी के साथ टाइम का एक कनेक्शन होने वाला है। तुम्हें ये थ्योरी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे ही और भी थ्योरीज के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हारे पास मार्वल या फिर किसी भी सुपर हीरो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर देने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा भी अगर तुम्हारे पास भी मार्वल के किसी भी कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी थ्योरी है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही मजेदार वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना। तो आज के लिए बाय।